हाय फ्रेंड्स, मेरे पास कल के ये 2 से 3 पाव बच गए हैं, तो मैंने सोचा आज नाश्ते में कुछ अलग बना दिया जाए। तो ये अपन 2 पाव ले रहे हैं और इसको बीच में से काट के इसको अपन थोड़ा सा घी लगा के तवे गैस पे तवा गरम रख रही हूँ। गैस पे तवा भी गरम रख दिया, ये घी लगा के इसको जरा सा अपन एक बार गरम कर लेते हैं। नाश्ते के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कुछ बच्चे भी खुश हो जाए, कुछ अच्छा सा बन जाए। इसको हल्का सा पहले वो कर लेते हैं। इधर मैं चीज़ की स्लाइस लाई हुई हूँ, तो बहुत सिंपल सुबह सुबह की जल्दी जल्दी में ये बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बनाने में भी मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा गरम कर लें, बस गर्मा गर्म हो गया है। ये मैं ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस, इसकी चीज़ की स्लाइस रख रहे हैं इसके ऊपर अपन। इसमें अगर छोटा पड़ रहा है तो इसको फोल्ड करेंगे अपन। इसमें थोड़ी सी पॉलीथीन रह गई है, ये करा मैंने फोल्ड। अब इसमें डाल रहे हैं अपन मिक्स हर्ब, थोड़ा सा अच्छा डालेंगे, फ्लेवर आएगा। दोनों साइड लगा देती हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बच्चों को तो मज़ा ही आ जाती है ऐसे करके। अब इसको दोनों तरफ से अच्छा दबा के सेक लेंगे। ऐसे मैं दूसरी वाली चीज़ क्यूब भी ले रही हूँ, क्यूब रखी है अपन ने, थोड़ी सी फोल्ड कर देंगे, मेरा पाव छोटा है। उसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो थोड़ा सा, या मिक्स हर्ब थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा घी और लगा देते हैं अपन, बटर हो तो बटर लगा दें, मेरे पास बटर अभी है नहीं। और इससे थोड़ा सा अपन दबा के जब तक चीज़ थोड़ी सी पिघल जाए, इसमें 2 मिनट में बनने वाला है, खाने वाला इसको खा के एकदम खुश हो जाएगा। ये अपना बन चुका है, इसको अपन सर्व करते हैं। ये गर्मा गर्म चीज़ी पाव बन के तैयार है। इसको सौंस, हरी चटनी, लाल चटनी, आपको जैसे पसंद हो वैसे ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे तो आपको कह के पाव बोलेंगे। थैंक यू। मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चीज़ी पाव।